आमिर खान ने शाहरुख को बिस्किट बहुत देर पहले खिलाया था, लेकिन उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट अभी तक है। जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कोई टॉक शो होस्ट करता है या करती है, तो सारे स्टार्स वहां पर आके विलिंगली अपनी पर्सनल लाइफ को रिवील करते हैं, और फिर जब मीडिया लिखता है तो कहते हैं ओ डू नॉट एनक्रोच इनटू आवर पर्सनल लाइफ। आई थिंक हमारे स्टार्स बहुत ही बड़े हिपोक्रिट हैं। प्रियंका ने सोनाक्षी के हिप्स के बारे में किया कमेंट। इमरान हाशमी ने कहा ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक। दीपिका ने मारा कटरीना की एज पर ताना। क्या स्टार्स एक दूसरे की खुलकर बेइज्जती करने का ढूंढते हैं बहाना? वेलकम टू पेज थ्री। स्टार्स को अक्सर मीडिया के सवालों पर गुस्से से रिएक्ट करते देखा गया है। कई बार स्टार्स ये भी शिकायत करते हैं कि उनके बारे में कुछ भी कहा और लिखा जाता है। बट इंटरेस्टिंगली, जब इन्हीं स्टार्स को मिलता है मौका, तब वो खुद अपनी इंडस्ट्री के लोगों का मजाक उड़ाने और उनकी बैंड बजाने से नहीं चूकते हैं। जब भी स्टार्स किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के किए गए शो पर जाते हैं, तो अपने इंटरव्यूज में वो एक दूसरे की बैंड जमकर बजाते हैं। सलमान तो खुद अपने ही शो पर कटरीना, करीना और बाकी स्टार्स के पसीने छुड़वाते हैं। सोनम बेधड़क कहती हैं कि बॉलीवुड की फैशन सेंस है बकवास। करीना कपूर ने भी उड़ाया प्रियंका चोपड़ा के फेक एक्सेंट का मजाक। वहीं प्रियंका ने करण जौहर के शो पर कहा दैट सोनाक्षीज हिप्स डोंट लाई एंड शी हैज मसाला हिप्स। अब ये था कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रियंका ने मारा सोनाक्षी की बॉडी पर नास्टी कॉमेंट इज एनीबडीज गेस। आमिर ने अपने डॉगी का नाम रखा था शाहरुख और इस बात की चर्चा सालों तक चलती रही। सलमान खान ने बिग बॉस पर कटरीना को बुलाया आंटी और अक्सर उनकी हिंदी की हंसी उड़ाई। उन्होंने तो संजय लीला भंसाली की फिल्म की भी धज्जियां उड़ाई, ये कहकर कि इवन अ डॉग वुड नॉट गो टू वॉच भंसालीज गुजारिश। इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को कहा प्लास्टिक और इमरान खान को एक ओवररेटेड एक्टर। महेश भट्ट ने भी बुलाया संजय लीला भंसाली को ओवररेटेड डायरेक्टर। दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को अनफेथफुल कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कटरीना का पासपोर्ट देखने की इच्छा जाहिर करके शायद कटरीना की असली एज के बारे में कहने की कोशिश की। स्टार्स आमतौर पर मीडिया पर उनका नाम बदनाम करने की लगाते हैं तोहमत, लेकिन खुद बिंदास होकर अपने फेलो स्टार्स की इंसल्ट करने की दिखाते हैं हिम्मत। अंजलि सिंह फॉर पेज थ्री जूम। तो क्या स्टार्स कहें डबल स्टैंडर्ड्स या यू कहें कि वो है हिपोक्रिट्स? Who can tell us better than our Page 3 pioneer and Bollywood insider Simi Chandok? Hi Simi, welcome to Page 3. Hi Megha. Simi, tell us, जब स्टार्स एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, then it's all right. लेकिन जैसे ही मीडिया कुछ कहती है, they make a big fuss about it. Is that fair? It's not fair at all. And कई बार वो लोग इंसल्ट करते हैं, लेकिन अक्सर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, and they might just want to pass it off as sense of humor. But जहाँ तक fair और unfair की बात है, I don't think it's right to the media, क्योंकि ये लोग तो हमें हमेशा summons देते हैं, हमें हमेशा भाषण देते हैं कि you know what, you'll write nasty things and the media is really nasty and आप personal सवाल मत पूछा करो और आप हमारी personal life के बारे क्यों लिखते हो। But ये लोग खुद क्या करते हैं, इनके इतने double standards हैं। जब भी कोई Bollywood celebrity talk show host करे, तो they are very cooperative. So when they are talking to a journalist, they are very prim and proper and they have reservations. या तो फिर newcomer हो या एकदम flop हो गए हो, तो then वो controversial statements देते हैं ताकि they can grab the headlines. But otherwise, if they are doing well in their career, they want to be very prim and proper with the media. But खुद अपने shows पर क्या करते हैं? I mean, even आप करण जौहर को देख लो, I enjoy watching his shows. I mean for us it's great, क्योंकि वो एक show करते हैं और उसके बाद पता नहीं कितनी बातें निकलती रहती हैं और कितनी मुसीबतें बढ़ जाती हैं लोगों के लिए. So it's great from our point of view. बट करण जौहर उनसे इतने पर्सनल सवाल पूछते हैं, इतने पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं और वो भी बताते रहते हैं. इवन ऑन अदर शोज, ऑन अदर चैनल्स, आई हैव सीन कि जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनसे क्वेश्चंस करे, तो वो लोग तो अपनी पर्सनल लाइफ के पूरे चिट्ठे खोल के बैठ जाते हैं. फर्स्ट दे बिल्ड अप आ क्यूरियोसिटी और फिर बोलते हैं आप लोग मत लिखो. तो ये कहाँ से होने वाला है? ये जो बॉलीवुड के टॉक शो होस्ट हैं, ये तो उनके दोस्त हैं और उसके बावजूद वो लोग उनसे एम्बैरेसिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछते हैं.
हम तो फिर भी अपने ऑफिस में बैठ के लिख रहे हैं एंड लेट्स फेस इट वी आर नॉट फ्रेंड्स विद देम दे आर ऑन दैट साइड ऑफ द फेंस एंड वी आर दिस साइड ऑफ द फेंस एंड इट्स अ जॉब टू राइट अबाउट गॉसिप एज लॉन्ग एज इट्स हार्मलेस एंड ऑथेंटिक. तो क्या स्टार्स ये पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए करते हैं या फिर फॉर पब्लिसिटी? I think it's a bit of both because एक तो वहाँ आए अपनी सारी खुन्नस निकाल ली and you just shoot the gun from somebody else's shoulder, तो you get the publicity as well. I think ये काफ़ी smart तरीका है. एक तो जो उनका friend जो talk show host होता है या होती है उन्हें भी ratings मिल जाती हैं show के लिए, इन्हें भी publicity मिल जाती है और चलो किसी और की खिल्ली उड़ा ली तो मज़ा भी आ गया उन्हें and controversial भी हो गए and at the same time they are getting viewership. So I think it works for them and they are doing it for both these reasons. Publicity ke liye to karte hain, kabhi kabhi it could be their personal grudges. Also I think what plays a very big role here is that they are insecure and wo usually apne rivals ke bare mein hi zyada bolte hain and apne doston ko to hit out nahi karte hain, so they will always hit out at their closest rivals. Well haal hi mein Mahesh Bhatt ne bhi talk show par kuch कमेंट दिया था. वेल इट्स नॉट जस्ट महेश भट्ट, इमरान हाशमी ने भी सोचा चलो लेट मी गेट माय शेयर ऑफ द अटेंशन एंड उन्होंने तो सीधा ऐश्वर्या राय पर ही तीर छोड़ दिए. एंड महेश भट्ट, यू नो आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक हिम, ही इज़ काइंड ऑफ लाइक पेज थ्री कि वो किसी को भी नहीं बख्शते हैं और किसी के साथ भी पार्शल नहीं होते हैं. तो उन्होंने टॉक शो पर तो जाकर कह दिया कि संजय लीला बंसाली इज़ एन ओवररेटेड डायरेक्टर, बट जब उनसे मीडिया ने ये सवाल किया कि हाउ कुड यू डू दिस, एंड महेश भट्ट ने तो ओपनली ये भी कह दिया कि करण जौहर के शो पर जो क्वेश्चंस थे वही ऐसे फ्रिवलेस थे और उसका फ्लेवर बनाए रखने के लिए दे हैड टू काइंड ऑफ मेक डिग्स एट अदर पीपल. अदरवाइज हमारे स्टार्स बहुत ही बड़े हिपोक्रिट्स हैं, सब कुछ कर कर आके वहाँ पर हिट आउट करके अपने राइवल्स को अटेंशन लेकर फिर मीडिया को ब्लेम करते हैं और कहते हैं ये तो मीडिया हमें कभी अकेला छोड़ता ही नहीं. बट डू स्टार्स प्लान दिस स्टेटमेंट्स? ऑफ कोर्स वो लोग प्लान करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द शोज आर नॉट लाइव एंड इनके पास काफ़ी हफ्ते होते हैं एडिट करने के लिए. तो यहाँ पर इट्स नॉट लाइक कि वो लोग एक डिस्कशन पैनल पर आए एंड इट्स कम्प्लीटली लाइव एंड देन दे कैन नॉट चेंज इट. तो इट इज़ प्लान्ड एंड मुझसे अगर पूछो मेघा तो मैं यही कहूँगी कि आजकल के जो स्टार्स हैं वो अपनी सारी न्यूज़ खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि मीडिया के हिस्से में कितने दाने जाएं या फिर ये टॉक शो पर हम लोग कितना बोलें. बट इनकी आपस में काफ़ी मिलीभगत होती है एंड नो दीज आर नॉट इनोसेंट स्टेटमेंट्स कमिंग आउट, वंस इन अ वाइल दैट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज प्लॉटेड एंड दीज स्टेटमेंट्स आर काइंड ऑफ प्लान्ड एंड सो आर द क्वेश्चंस. सिमी, हमने हमारे व्यूअर्स से ट्विटर पर पूछा वेदर स्टार्स पर्सनली इंसल्ट करते हैं एक दूसरे की फॉर पब्लिसिटी. एक हमारे व्यूअर ऐसे ही कुछ इंसिडेंट को रेफर कर रहे हैं जहां पर आमिर ने ये कहा था कि मैं शाहरुख को अभी बिस्किट खिला रहा हूं, तो बार बार यहां पर कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन से शाहरुख को बिस्किट खिला रहे थे. एंड दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग कि हमारे व्यूअर ने जब अपना रिएक्शन ट्वीट किया, अपना व्यू ट्वीट किया, तो उन्होंने इसी इंसिडेंट का जिक्र किया है. दैट मीन्स ये स्टार्स की जो ऐसे ताने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं या थोड़ी मिस्चीवस स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट रखती हैं एंड दे नो दैट. हमारे व्यूअर इमरान लिखते हैं कि स्टार्स डेलिबरेटली डू इट एंड दे डू मेक सच स्टेटमेंट्स टू गेट पब्लिसिटी. एक न्यू कमर से भरी हुई फिल्म ने दे दी है माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी स्टार को मात. क्या है ये यंगस्टर्स का चार्म या फिर नहीं रही सीनियर स्टार्स में वो बात? फिल्म देर इश्किया और यारिया एक ही डेट पर रिलीज हुई. देर इश्किया हैड परफॉर्मर्स लाइक माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, नसीरुद्दीन शाह एंड हुमा कुरैशी. ये फिल्म माधुरी दीक्षित की एक बड़ी कमबैक फिल्म के तौर पर भी देखी जा रही थी. माधुरी दीक्षित ने अपनी एक्टिंग स्किल से सालों तक ऑडियंस का दिल जीता है और इस फिल्म में भी उन्होंने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस. इतना ही नहीं, फिल्म को नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी ने भी अपने बेहतरीन टैलेंट से नवाजा. वहीं दूसरी तरफ रिलीज हुई यारियां, जिसमें नजर आए न्यू फेसेस. इस फिल्म को फर्स्ट टाइम डायरेक्टर दिव्या खोसला ने डायरेक्ट किया, यानी ओवरऑल यारियां एक कंप्लीट न्यू कमर वेंचर है. जहां देर इश्किया में एक्सपीरियंस का तालमेल दिखा, वहीं यारियां में यूथ अपील नजर आई और अपने इसी फ्रेशनेस और यंग फ्लेवर के साथ यारियां ने देर इश्किया को बॉक्स ऑफिस की रेस में पीछे छोड़ दिया. यारियां के यंग एंड बडिंग स्टार्स के चार्म के आगे देर इश्किया के टैलेंटेड स्टार्स बढ़ गए फीके.
शायद माधुरी दीक्षित के जलवों और खूबसूरती में नहीं है वो बात, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की ऑडियंस देना चाहती है यंग और फ्रेश टैलेंट का साथ। क्या कारण है कि पॉपुलर स्टार्स को रिजेक्ट करके ऑडियंस ने न्यू कमर्स को एक्सेप्ट किया है? यहाँ पर हमें एक बात देखनी चाहिए कि जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। सो द सिनेमा गोइंग पीपल फैमिलीज तो जाती ही हैं, बट द यंगर पीपल, द यंगस्टर्स, द फैमिलीज हैव बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, दे लेट देम गो फॉर मूवीज। डोंट फॉरगेट दैट लॉट ऑफ यंग पीपल आर वर्किंग, वेदर इट्स कॉल सेंटर्स और अदर जॉब्स, सो दे आर मेकिंग देयर ओन मनी एंड दे कैन अफोर्ड मोर फ्रीडम, वेदर इट्स बंकिंग वर्क और वेदर इट्स बंकिंग स्कूल or whether it's even being able to buy your own tickets, so they tend to go for movies more often. And to jab unka hi age group itna kam hai and they are so young, they are not going to go and look at stars who are much older and itni serious unki kahani hogi. So that's why I think they prefer it, because ye unke mindset ko please karne ke liye ye kahaniyan likhi gayi hain, aisi wali movies ban rahi hain. We are speaking about Deer Ishq and Yaariya, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? Likewise, you know, माधुरी दीक्षित may be very popular on TV today. We might really like her because we have watched her movies when she was a superstar. But for the younger generation, probably it's not so easy to relate to her. Of course, वो उन्हें TV shows पर देखते हैं, पर शायद वो एक mindset उनका बैठ गया है कि she judges reality shows and she may be very talented and beautiful, but they haven't really seen her as a heroine. So माधुरी दीक्षित may not be their idea of a heroine. ऑल्सो अगर आप स्टोरी की थीम देखते हैं तो डेर इश्किया की स्टोरी थोड़ी हैवी थी, थोड़ी काइंड ऑफ ओल्ड फैशन थी फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ पीपल। म्यूजिक भी देखिए तो डेर इश्किया का म्यूजिक, उनकी जो उर्दू है काफ़ी टफ थी उनके लिए, काफ़ी हैवी थी। एंड यहाँ पर जो यारियाँ हैं उसमें हनी सिंह ग्रूव कर रहे हैं, सो दे वर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द यंगर जनरेशन ऑफ पीपल एंड आई थिंक द वर्डिक्ट इज आउट देयर, दिस इज व्हाट द मूवी गोअर्स वांट and that's the target audience they're looking at. But kya stars ki bhi ek saturation point hote hain? Bilkul, every star comes with a shelf life and they have to keep adapting and changing their roles. And Madhuri Dikshit ne to wo kiya hi hai. It's not like she was playing a teeny bopper or a college girl. And she gives great performances all the time. But I think the storyline probably was a little boring for most of the people here. And I wish, you know, माधुरी दीक्षित वुड डू समथिंग अबाउट हर ड्रेस सेंस, क्योंकि और कुछ नहीं तो हम उनके खूबसूरत कपड़े ही देख लेते, लेकिन दैट्स वन एट्रीब्यूट दैट माधुरी दीक्षित कैन नॉट बोस्ट ऑफ। अब तो इतने डेकेड्स के बाद अगर उनका स्टाइल चेंज इम्प्रूव नहीं हुआ तो अब उम्मीद करना ही मुश्किल है। कमिंग अप ऑन पेज 3, दीपिका का जो क्रॉप टॉप लुक है, इट्स अ वी बिट टू कैजुअल फॉर एन इवनिंग इवेंट। अब प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा आउटफिट वहां पहन लिया, शायद इसलिए पापराजी और कैमरास ने प्रियंका चोपड़ा को कोल्ड शोल्डर कर दिया। स्टार्स को क्या नहीं पहनना चाहिए था, क्यों इस सीजन में हो गया बी टाउन के स्टार्स का ड्रेस सेंस ठंडा? Let's find out on this week's Odd Shot. Simi, recently काफी सारे red carpet events हुए हैं, लेकिन हमारे stars ठंडे रहे हैं. So can we start with Deepika Padukone? Yes, I think उनके कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वहाँ पर बहुत ठंडी है, तो in the process they're not looking hot and ठंडे रह गए हैं। सो दीपिका इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टार्स, यू नो, बिसाइड सोनम कपूर। आई कम्प्लीटली लव द ड्रेस सेंस एंड ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा, पर यहाँ पर तो दीपिका एंड प्रियंका चोपड़ा बोथ हैव काइंड ऑफ गॉन रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑन अ ऑड शॉट टुडे। बट दीपिका हैज़ अ ग्रेट बॉडी, शी इज़ वेरी ग्रेसफुली टॉल, सो शी कैन गेट अवे विद ऑलमोस्ट मर्डर। बट यहाँ पर आई थिंक उनके डिज़ाइनर ने यहाँ पर कुछ स्टाइल का खून कर दिया है, स्टाइल का मर्डर कर दिया है। दैट कॉलर एंड दैट एम्ब्रॉयडरी इज काइंड ऑफ नॉट वेरी फ्लैटरिंग एज एन इवनिंग लुक। वेल, शी वाज सीन इन अनदर इवेंट वेयरिंग अ शॉर्ट टॉप एंड अ स्कर्ट। तो दीपिका ने यहाँ पर एक क्रॉप टॉप पहना है और साथ में पता नहीं स्कर्ट है कि घाघरा है, बट इट्स अ वे बिट टू कैजुअल फॉर अ फॉर्मल इवनिंग। सो इट्स गुड टू एक्सपेरिमेंट, बट काइंड ऑफ आई थिंक जो उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में भी पहना था वो भी इससे ज़्यादा फॉर्मल था। एंड व्हाट अबाउट प्रियंका चोपड़ा?
प्रियंका चोपड़ा कहीं पर बहुत ज़बरदस्त मिसगाइड हो रही है इन द लास्ट 8 or 10 months. शी इज़ अ फैबुलस लुकिंग गर्ल, शी ड्रेसेज अप रियली गुड. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो प्रियंका ने बहुत ही बिजी कर दिया अपने लुक्स को. वेदर इट्स हर शूज़ दैट आर वेरी जैजी, देन इट्स अ ड्रेस. आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दैट लेंथ टू बी ऑनेस्ट, नॉट फॉर अ फॉर्मल इवनिंग. यू ईदर गो कम्प्लीटली शॉर्ट और यू गो कम्प्लीटली लॉन्ग. ये जो इन बिटवीन लेंथ है ये बहुत ही अजीब लग रहा है. एंड लाइक आई वॉज सेइंग, द शूज़ आर वेरी बिजी, देन शी हैज़ समथिंग अराउंड हर नेक, देन शी हैज़ इयर रिंग्स, then that very very elaborate and busy hairstyle. I think she's gone for the overkill here. And what about the other dress she was wearing? ye jo dusri photo hum abhi dekh rahe hain ye wahi look hai jiski wajah se shayad unhe golden globe awards par paparazzi ne aur cameras ne kafi ignore kiya. To shayad agar unhone gown pehna hota to ye na hua hota. So I feel that this in between length of outfits is very unflattering for anybody. Jab Priyanka ne ye pehna tha, if you look at all the other Hollywood actresses, they were wearing gowns, and this kind of was a little out of place. Yeah. और काजोल के गाउन के बारे में आपका क्या ख्याल है? शी इज़ वेयरिंग अ समर कलर्स फॉर अ विंटर गाउन. तो थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज शी इज़ वेरी कवर्ड. आई मीन यहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक. सो आई थिंक इट्स वे टू कवर्ड एंड देन इट लुक्स लाइक अ वेरी विंटरी गाउन बट इट्स इन अ वेरी समर शेड. और करीना कपूर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर? गॉर्जियस लुकिंग गर्ल बट अगेन टू कवर्ड. और गाउन्स इतने कवर्ड ना हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड एवरीबडी गोज टू दीज फेजेस व्हेन यू फील फिट, यू फील फैब और यू फील फैट, बट देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ शोइंग ऑफ. व्हेन गाउन्स आर टू कवर्ड देयर टू बोरिंग. एंड यू अप्रूव सोनाक्षी ड्रेसिंग सेंस? आई थिंक सोनाक्षी बहुत ही अच्छी लग रही है वहाँ पर बिकॉज इट्स रियली फ्लैटरिंग हर figure and there is nothing coming out from any of the wrong places. So a very graceful and elegant look with Sonakshi this time. Coming up, leading fashion designers ki brand new collection. So hey, don't touch the remote and see you soon. Simi, do you have anything interesting for our viewers today? We have some great fashion events here that has been presented by the Blenders Pride Fashion Tour 2013. And काफी popular designers हैं, Rocky S, JJ Walaya, Vikram Farnes, Neeta Lulla, Shane and Falguni. And also they had a lot of showstoppers. So I think हम अपने viewers को ये event दिखाई देते हैं that was held in various cities of our country. So why not show it on page 3? Yep. Thanks again for sharing your views with us today. Well, it's my pleasure always. Drama, gossip and hot discussions ka full dose milta hai sirf yahi. Tabhi to kehte hain ki keep watching page 3 and to get your dose of fashion and latest fashion trends. Don't forget to watch Blenders Pride Fashion Tour 2013 tonight at 8 PM only on Zoom, India's number one Bollywood channel. Okay, ready. Exposure kam karo, band kar do exposure. Aasif, please pay attention. Let me know when I can start. याद रखना काली कुछ मिस हो गया तो दूसरे के शोल्डर से बंदूक शूट गोली. What is it? Wrong sentence. Something is wrong with what I'm saying. Fact. बड़ी नींद आ रही है सर, ऐसे जा रहा है आज.